हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिज्यू गेमर। आज हम कई दिनों बाद फिर से खेल रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। असल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन है वो गिर गया था और जिससे वो पूरी तरीके से टूट गया और मुझे मजबूरी में कई दिनों बाद अब मैं दूसरा फ़ोन लाया हूँ, तो इसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और दूसरा फ़ोन मतलब गेम शुरू से, मैंने पहले गेम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, एक बहुत बड़ा शोरूम बना लिया था और बहुत ही तगड़ी तगड़ी लग्जरी कार्स खरीद ली थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से सब कुछ कर लेंगे। One eternity later. और गाइज, हमारे पास यहाँ पर हो चुका है $1.3 million। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, क्योंकि मैं माइक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो फ़ोन है वो है वीवो का V25 और आजकल के फ़ोन में हेडफोन जैक तो आता ही नहीं। और मेरे पास जो माइक है वो वायरलेस नहीं है, वो वायर का है, तो उसमें हेडफोन की ज़रूरत होती है और इसमें तो है ही नहीं, तो आवाज़ का थोड़ा इशू रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है जो हेडफोन टाइप सी में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए 2-3 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, तब तक आपको थोड़ा ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ नेबरहुड और यहाँ से कुछ तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स मैं परचेज करने का सोच रहा हूँ, जो कि सामने खड़ी है एक निसान GT-R। तो इसको तो कैसे ही छोड़ सकते हैं, 71,000 काफ़ी कम में मिल रही है, तो थोड़ा कम करवा लेते हैं, 65 में दे दो, नहीं दिया इतने में ही ले लेंगे भाई, निसान है यार, इससे तो ऐसे ही अच्छा खासा में प्रॉफिट हो ही जाता है। और अभी यहाँ पर और चेक कर लेते हैं, यहाँ खड़ी है ODR8, इसको भी परचेज़ कर लेंगे, देखते हैं कि ये कितना बोल रहा है। 1,34,000 जो कि ज़्यादा नहीं है, 1,20,000 में फाइनल करते हैं, इसको भी थोड़ा हम आगे लगा देते हैं। और सामने खड़ी है लैम्बोर्गिनी, मुझे पता है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये 1.3 अबे रात ही हो गई, गायब हो गई, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर थोड़ा सवेरा करते हैं। और सामने खड़ी है ये डॉज की वाइपर, भाई साहब इसी कार का तो मुझे वेट था, $1.1 million मेरे पास है और ये कितने मिल रही है, 5 लाख में, तो मैं थोड़ा और बार्गेन करके इसको कम कर लेता हूँ, 4 लाख कितना करूँ, 470 में देखते हैं मिल जाती है कि नहीं। ओके, 470 में मिल गई, इस कार से मैं ना अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और आज कार मार्केट प्लेस भी ओपन है और ऑक्शन भी ओपन है, तो देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास टाइम होगा तो वहाँ पर भी चल लेंगे। और यहाँ पर एक BMW है, लेकिन सामने Nissan 34 खड़ी है, तो 5 लाख, भाई साहब ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी दे रहा है इसको, ये अगर 3.5 लाख 4 लाख में मिलती ना मैं ले लेता यार इसको, 4,20,000 में यार, ये 4,20,000 में नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसको भी परचेज कर लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी पैसे पड़े हैं और ये इतने में तो मुझे लगता है कि बिक ही जाए नहीं है। और सामने खड़ी है एक ODR8, एक और आई है, तो देखते हैं कि इसका कितना प्राइस, 1,51, अबे यार शेट, मेरे पास सिर्फ 1,22 बचा है, यहाँ पर इतना लगा ले तो मैं ले लेता, लेकिन इसने नहीं लगाया, मना कर दिया। तो अब इन अपनी ना जो कार है इन सब को लेकर चलते हैं, एक एक करके हम इन सब को लेकर चलेंगे। और यहाँ पर ओडी है और सामने अपनी डॉज वाइपर खड़ी है जो कि काफ़ी एक फास्ट कार है, और इसमें बैठते हैं, चलो अब इसको लेकर चलते हैं अपने शोरूम पर। एक बाइक क्या ही भागती है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी कार है ये, भाई साहब मैं इसमें ना स्पीडोमीटर नहीं है गेम में, मैं थोड़ा उसे कहना चाहूँगा जो इस गेम के डेवलपर है, इसमें ना स्पीड का भी मीटर चेक वो ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखे तो सही का इस किस्म कार में कितनी ज़्यादा स्पीड है, ये कार काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मुझे तो लगता है ये सबसे फास्ट तो नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी तक इसमें लैम्बो नहीं खरीदी है। और इस गेम में ना न्यू अपडेट आया है जिसमें बुगाटी की चिरोन भी आई है, बुगाटी वेरोन भी आई है, तो उन्हें भी हम देखेंगे, लेकिन वो 7-8 मिलियन डॉलर्स की है और मेरे पास अभी 1 मिलियन डॉलर ही है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ना मैं इसको रिपेयर करवा लेता हूँ, और नया अपडेट में ना इस शोरूम को, शोरूम क्या,
ये मैकेनिक का जो ये दुकान है ये भी बढ़ चुकी है। अब हम कार में ना अपने ये कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कलर्स और व्हील्स और कई चीज़ें हम इसमें कस्टमाइज़ करवा सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात हो चुकी है इस गेम की। धीरे धीरे करके ना ये पीसी वाली जो गेम है वो कार फॉर सेल उसको ना पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाला है फोर्स के लिए। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। भाई साहब क्या ही ख़तरनाक लग रही है। तो इसको थोड़ा यहाँ पर अंदर लेकर चलते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करवाते हैं इसको, इसमें थोड़ा कलर करवाते हैं। कलर मैं सोच रहा हूँ इसको ग्रीन थोड़ा कुछ करवा दें यहाँ पर, इसमें तो नहीं, थोड़ा ग्रीन करवाते हैं इसमें लगवा लेते हैं। ओके तो काफ़ी ठीक लग रही है ग्रीन में। और यहाँ पर अब लगवा लेते हैं अपना कोई व्हील बढ़िया सा मिल जाए, 1000 में, लेकिन हम देखते हैं कि कोई सस्ता तो क्या मिलेगा, सभी का ए प्राइस एक ही है। तो मैंने ये लगा लिया और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। और मैंने इसमें रेसिंग किट भी लगवा ली है। और बाहर मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है भाई, मौसम तो ना ऐसा लग रहा है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इतना भी कुछ ज़्यादा ही मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि रात के बज रहे हैं 10 और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसा कि सर्दियां आ गई है। अब अपनी कार्स को लेकर चलते हैं, उनका तो देखते रहेंगे। और यहाँ पर गाइस खड़ी है बुगाटी की वेचिरोन, तो काफ़ी महंगी है लेकिन इसको भी हम एक दिन ज़रूर बाइक करेंगे। और यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ अपनी सारी कार्स को शोरूम पर, लेकिन इनको ना सेल पे लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि कार मार्केट चलें क्योंकि आज वो ओपन है और टाइम 3 बज चुके हैं, तो 2-3 घंटे में वो बंद हो जाएगा। और मेरे पास $1,00,000 है, अगर इसने में कोई मिल जाए बढ़िया सी सुपर कार तो ले ही लेंगे यार। तो देखते हैं कि यहाँ पर तो खड़ी है ये कि ये फरारी जो काफ़ी महंगी है, ODR8 इसको पूछ लेते यार कितने में। 1.48 यार थोड़ी महंगी है, इतना तो हमारे पास अभी बजट है नहीं। और कुछ है सुपर कार्स में, कार मार्केट प्लेस से मुझे कोई ऐसी कार मिली नहीं जिससे मैं ला सकता था बाय करके, क्योंकि जो थी वो अपने बजट से बाहर थी। लेकिन वही बात नहीं, मैं अपनी जो सारी कार्स है ना जो मैंने खरीदी है नेबरहुड से उन्हें सेल पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 251 का मैं लाया हूँ डोज वाइपर को, इसको 6,50,000 में लगा देते हैं। और यहाँ पर ये सुप्रा है इसको लगा देते हैं 5,00,000 में। ये टोयोटा सुप्रा ये ना थोड़ी अलग सी लग रही है तो इसको मैं लगा देता हूँ 8,00,000 में, क्योंकि 5 की तो मैं इसे लाया हूँ तो 2-3,00,000 तो यार बचने भी चाहिए। तो इन सब कार को बेचने के बाद ना मेरा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला आया है ODR8 का कस्टमर, तो देखते हैं 1.52 में मैं लाया हूँ, 1.52 ये लगा रहा है, तो 1.57 में मैं इसको निकाल देता हूँ भाई साहब। चलो काफ़ी हो चुका है इसमें, 50,000 का अगर प्रॉफिट होवे एक कार में तो कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरीके से हम लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस कमा लेंगे, चलो बिलियंस तो कुछ ज़्यादा होगा लेकिन मिलियंस तो कम से कम हम कमा ही सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये देख सकते हो गाइस क्या ही तगड़ी लग रही है, डोज की वाइपर है अपनी, निशान है, निशान नहीं है ये मस्टैंग है, मैं निशान बोल रहा हूँ, मस्टैंग भी है अपनी और ये निशान है दूसरी, और निशान GTR भी है और ये निशान 34 भी है। तो काफ़ी महंगी महंगी अपने पास कार है। यहाँ पर ये 86 बोल रही है, 1 लगा देते हैं, अगर इतने में नहीं मान रही तो क्या करें, निकल जा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक और कस्टमर 94 ये लगा रहे हैं ना इसके, जो मस्टैंग है ना गाइस वो बिक जाती है अच्छे खासे प्राइस पे, इतने में नहीं ले रहे तो थोड़ा कम कर देते हैं, 1,02,000 इतने में ले जा भाई, इतने में भी नहीं तो 94 में भी निकाल ही देते हैं, चलो इसमें भी थोड़ा हमारा प्रॉफिट ही है। और यहाँ पर डॉज वाइपर के लिए, और इतने में ख़रीदने के लिए तैयार है इसको, बोरे भाई साहब इसने कराया ना अपना प्रॉफिट, ले जा भाई यार जितना डाला उतने में अगर ये ले जा रहा है। तो यहाँ पर बची है मेरे पास निशान GTR और सुप्रा टोयोटा सुप्रा, तो देखते हैं कि इतने, अबे थोड़ी सी देर में, चलो एक और कस्टमर आ भी गया है सुप्रा के लिए। तो यहाँ पर इसका लग रहा है 4.57 नहीं 5 की तो मुझे पड़ी है, तो 4.57 बुरी बात
गलत बात। अबे कोई लाओ यार, 7, 8, 9, 1 मिलियन 2 मिलियन लाओ, उसको बेचेंगे ना यार। सुपरा खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी, और ये यहाँ पर आकर अटक चुका है, यही देखना बाकी था आज। निशान के लिए चलो एक कस्टमर देखते हैं इसका कितना लगाया है। 95, नॉट बैड, 71 की मैं लाया हूँ, 95 ये दे रही, तो 1,04,000 में फिनिश करते हैं। ओके, तो 1,04,000 में ये बिक चुकी है, ऑलमोस्ट 25,000 का इससे भी हमें प्रॉफिट हो गया है। अब बची है अपने पास ये सुपरा, तो देखते हैं कि ये कितने टाइम में हमारे पास से निकलेगी। और मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ तो यार इससे प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और कस्टमर आई है, देखते हैं कि ये कितने, 4,53। अरे भाई इसका कोई प्राइस ही नहीं लगा रहा है। एक और आई, चलो 4,85 इसको लगा देते हैं यार, ये तो 4,85 दे रही है, तो 6,50,000 इतने में हो जाएगा बार्गेन। अबे नहीं यार, यार इतने सारे कस्टमर इसको रिजेक्ट कर चुके, सब आकर सिर्फ कम ही लगा रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या ही। निकल जा तू भी, इतने को भेज दिया भाई, एक और सही यार, थोड़ा वेट कर लेते हैं। पता नहीं, मैं आई थिंक इसको कुछ ज़्यादा ही मैंने इसको ख़रीद लिया है ज़्यादा पैसे देकर, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है नहीं मार्केट में। नहीं, टोयोटा सुपरा की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन मैं ज़्यादा प्राइस में, ओवर प्राइस मैंने इसको ख़रीद लिया है यार। इतने सभी जो भी आ रहा है इसका कमी लगा रहा है। और यहाँ पर एक और आया, इसको देख लेते, 4,97। चलो इसने तो कुछ लगाया भाई, 4,97, तो 5,50,000 यार इतने में ही तो ले जा। और चलो फाइनली ख़रीद लिया है, और मेरे पास हो चुका है $1.6 मिलियन। अब करते हैं अपने शोरूम को अपग्रेड, तो यहाँ पर चलते हैं शोरूम अपग्रेड में। यहाँ पर 50,000 और $1,00,000 में, यानी टोटली $1.5 लाख में हमने अपने फिर से कर लिया है इस शोरूम को बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और मेरे पास $1.5 मिलियन अभी भी बच रहे हैं, तो फिर से चलेंगे अभी नेबरहुड, और वहाँ से तगड़ी तगड़ी सुपर कार फिर से परचेज कर लाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी तगड़ा अपना ये रिजू गेमर डीलरशिप हो चुकी है। और यहाँ पर नेबरहुड आते ही निशान GTR दिखी है, वो भी रेड कलर की, इसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई। बताओ कि कितना इसका प्राइस है, $72,900, तो थोड़ा बार्गेन कर लेते हैं इसको 65,000 में, कंफर्म कर लो। अबे यार इतना भी कम नहीं करते, 2-4 हज़ार के लिए इतना झंझटबाजी। 78, ओके, इतने में 78,000 में मुझे मिल चुकी है। इसको लेकर चलेंगे अपने शोरूम पर और इसको रिपेयर करवाएंगे और फिर इसे बेचेंगे, क्योंकि ना निशान हो गई और अपनी मस्टैंग हो गई, इनसे ना प्रॉफिट कंफर्म है कि होना ही होना है। तो इसको लेकर चलते हैं और देख लेंगे कि कोई बढ़िया सी कार। ओबे नहीं भाई, कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है ये भी, उड़ रही मतलब वैसे उड़ रही है भाई साहब, क्या ये अभी तो खतरनाक वाला है एक्सी। अबे क्या कर रही है कार ये निशान का क्या हो गया है, पता नहीं क्यों डसे से भी चल रही है आज तो। और यहाँ पर फिर से आ गए हम अपने नेबरहुड, और यहाँ पर सामने ही दिखा है मुझे ये एक ट्रक सा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा लगता है भाई साहब, $1,90,000। अबे क्या है इस ट्रक में, लप्पू सा तो ट्रक है, पता नहीं इसे चला जाएगा या नहीं यार। 170 में, चलो इससे बार्गेन, 160 में तो नहीं दे रही, 170 में भी नहीं दिया भाई साहब, इसको तो लेकर चलना पड़ेगा। देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है यार इससे, क्योंकि इसने बिल्कुल कम नहीं किया। और यहाँ पर और नेबरहुड में देख लेते हैं कि कोई और सुपर कार हो तो उसको भी परचेज कर ही लेंगे, और सामने अपनी सुपरा फिर से, तो देखते हैं कि इसको ये कितने प्राइस में दे रहा है, 2,50,000 भाई साहब, जब तो मैं इसको 4 लाख में खरीद कर ले गया था, इतना महंगा 2,20,000 में नहीं दे रहा था, थोड़ा और बढ़ा लेते 2,30,000 कर ले भाई यार, 4 लाख में। तभी तो मैं कहूँ यार वो बिक क्यों नहीं रही, क्योंकि इसका मैंने प्राइस ही इतने में मैंने इसको परचेज किया यार, 4 लाख में मुझे इसे परचेज ही नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर इसको भी लाकर खड़ा कर देता हूँ, और सामने खड़ी है फिर से अपनी डॉज वाइपर, तो इसको भी हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाग कर चलते हैं, देखते हैं कि इसका ये कितना प्राइस लगा रहा है, इसको भी कन्फर्म है या इसको तो हम लेंगे, क्योंकि
इससे हमारा ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो ही जाता है हर बार। तो देखते हैं कि कितना लगाया है इसका, 6 लाख नॉट गुड, थोड़ा कम करवा देते हैं, 5,20,000 और ये नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको ख़रीद ही लेंगे क्योंकि मुझे पता है इस ये 7-8 लाख डॉलर की तो वैसे भी बिकी जानी है। अब इन सब कार्स को लेकर चलते हैं अपने शोरूम पर, और यहाँ पर मैं सारी कार्स को लेकर आ चुका हूँ अपने शोरूम पर, और मुझे बाद में भी कुछ कार्स मिली थी तो मैं उन्हें भी लेकर आ चुका हूँ। तो मेरे पास एक डॉज की रन है, एक डॉज की वाइपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं निसान 34 को लाया था, ये निसान 34 है ना कि सुप्रा। यार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कौन सी सुप्रा कौन निसान 34 है, तो इसमें ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर एक और निसान 34 है तो इसको लाया हूँ मैं 3,39 में, 6 लाख की मैंने इसको भी लगा दिया है। तो दो है निसान 34 और है डॉज वाइपर है, डॉज रन है, और मेरे पास ये 4 कार है और तो ज़्यादा है नहीं। चलो 4 कार्स लाया हूँ, लेकिन चारों कार्स काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इनको बेच कर मिलियंस में पैसे कमाएंगे क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक लग्जरी कार्स है। अब हम ना सिर्फ लग्जरी कार्स खरीदते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इस गेम में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे निसान GTR मिल रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 निसान GTR का चैलेंज ले लिया है मैंने कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 निसान GTR परचेज करूँगा और उन्हें एट ए टाइम, ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक ही टाइम पर मैं 10 खरीदूंगा और उन 10 को अपने पूरे शोरूम में लगाकर जब बेचूंगा वो भी डिफरेंट कलर्स में सबको, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर 2,39,000 इसके लगा रही है, निकल जाओ। ओके गाइज, मैंने सारी कार्स को बेच दिया है, बस एक ही बची है। मैंने ये पार्ट इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो यहाँ पर ये इतना बंदा बोल रहा है तो इसको भी थोड़ा बार्गेन कर इसको बेच देंगे, ये तो भाई साहब इसके कुछ ज़्यादा ही कम लगा रहा है। तो यहाँ पर एक और कस्टमर आया है तो इसको भी पूछ लेते हैं। तो गाइज आज वीडियो में मैं इसको इतना ही कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। भाई साहब ये क्या गया, शेट पता नहीं है क्या कि एक कीड़ा सा आ गया था। तो यहाँ पर मेरे पास $1.4 million है और यहाँ पर इसको ख़रीद ले 3,15,000 में इसको ले रही है, नॉट बैड। तो यहाँ पर 3,55,000 में मैं इसको लगा देता हूँ, यार थोड़ा भी ऊपर नहीं करते यार, 3,50,000 कर लो, इतना भी नहीं मैं यार, $1.4 million। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लॉस ले लेंगे, नहीं ख़त्म करते हैं यार इस वीडियो को। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।